नमस्कार बच्चों, मैं हरीश सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद करता हूं। आइए चलते हैं हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहां पर मैंने हमेशा की तरह पहले से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इफ एंगल ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, ठीक है बच्चों, ये किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है तो हमें शो करना है कि साइन ब्रैकेट बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल होगा कोस ए बाई टू के, ठीक है बच्चों। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और कोई ज्यादा नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। आइए मैं उसको लिख लेता हूँ। सबसे पहले वी नो दैट the sum of angles of triangle is equal 180 degree, ठीक है बच्चों, ये आपको मालूम है और ये यही इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो आइए हम इसको प्लस कर लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। और एक चीज का और ध्यान रखना है आपको कि जो हमें प्रूफ शो करना होता है, प्रूव करना होता है, उसको भी आप ध्यान में रखते हुए चले। अब आप देखिए, यहाँ पर बी और सी है और ए हमारे राइट हैंड साइड में है, तो हम क्या करेंगे, इस ए को हम इधर राइट हैंड साइड में ले आएंगे। आइए देखते हैं, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हमारे पास बोथ साइड है, बोथ साइड को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब मैं यहां पर लिख देता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ठीक है बच्चों। आइए b प्लस सी बाई टू और इक्वल 180 माइनस ए बाई टू, ठीक है बच्चों। आइए इसको थोड़ा सा वो आगे बढ़ा लेते हैं, b प्लस सी बाई टू और इक्वल, ये 2 देखिए बच्चों, ये 180 के नीचे भी है और माइनस ए के नीचे भी ये 2 है, ठीक है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। आप इसको 2 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 2 1 2 2 9 18, 0 की 0, ठीक है बच्चों। तो b प्लस सी बाई टू और इक्वल 90 माइनस ए बाई टू, ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, दोनों में साइन को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है बच्चों। यहां पर आइए मैं लिखता हूं साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल, ये भी साइन में, साइन 90 माइनस ए बाई टू, ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया है। अब आप देखिए यहां पर हम, मैं आपको बताता हूं, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद रखना है, ठीक है। आइए इसको आगे करता हूं, मैं इसको इधर लिख लेता हूं। आप देखिए यहां पर साइन ब्रैकेट बी प्लस सी बाई टू और इक्वल, देखिए यहां पर लिखा साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 इसे जो थीटा है, यहां पर आप देख रहे हैं थीटा की जगह आ गया ए बाई टू, तो इसको हम थीटा मानते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा की, और थीटा की जगह क्या है ए बाई टू, तो हम लिखेंगे यहां पर कोस ए बाई टू। अब आप ऊपर देख सकते हैं, जो हमें शो करना था वो हमने शो कर दिया है, ये सोल्व हो चुका है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, अगर पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।